ओके यो डिविजन में बाइनोमियल टर्म लाई मोनोमियल ले एउटा टर्म ले डिवाइड गर्ने कुरा छ ओके न बाइनोमियल लाई के गर्ने छ रे डिवाइड गर्ने छ कुनले मोनोमियल डिवाइडिंग बाइनोमियल बाय मोनोमियल हो अब बाइनोमियल एक्सप्रेशन में हम टू नंबर को ए में हेर टू नंबर को ए में एक्स प्लस एक्सवाई प्लस एक्स जेड डिवाइड एक्स हो अब इस डिवाइड चिन्ह में राख दूं एक्सवाई प्लस एक्सजेड इसी भी लेखन सकता हो अब यहाँ एक्स ले दुईटा टर्म डिवाइड कर पर्ने इस ब्रेक कर दूसरी कसरी ब्रेक करने भादा एक्सवाई एक्स ले डिवाइड करूँ फिर यहाँ यो यहाँ जे चाहिए तो राखे फिर ब्रेक करें अर्को एउटा फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दूँ फ्रैक्शन नहीं बनाईद ये करना मिल्छ मिल्छ कि मिल्दैन पक्कै नै मिल्छ भनेपछि अब सेम टर्महरु डिनोमिनेटर र न्यूमरेटर को सेम टर्महरु क्यान्सलेसन गरौ एक्स ले एक्स कट अफ गर्यो फेरि एक्स ले एक्स कट अफ गर्यो भने अब बाकी रिमेनिंग टर्म कति हुन्छ वाई प्लस को प्लस यतापट्टि के छ त जेड यसरी बाइनोमियल लाई मोनोमियल ले डिवाइड गर्दाखेरि यस्तो तरिकाबाट यो रुल बाट चाहिँ हामीले दुईवटा फ्रैक्शन में देखा स्क्वायर वाला पनि लगभग सेम नै सिक्स ए एक्स क्यूब वाई क्यूब बाई कति छ नाइन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर छुट्याइ दिऊ यसले यसलाई डिवाइड गरी यसले यसलाई डिवाइड गर माइनस कति फेरि एटीन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई कति फेरि नाइन ले फेरि यहाँ नाइन राख्यौ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अब यहाँ टुक्रा बनाई दूँ टुक्राइद फैक्टराइजेसन करूँ ट्राई फैक्टराइजेसन कर यदि नगरिकन सीधे फैक्टर डिवाइड जान डिवाइड कर काट दूँ यहाँ इस नाइन फोर कति हो थर्टी सिक्स नाइन टू ज कति 18 अब लेख फोर इंटू ए इंटू एक्स कति एक्स की कति हो तीन चोटी मल्टिप्लाई कर रख दे वाई की कति वाई लाई तीन चोटी अर्क तरीका बड़ी हाई तो बुझ्दैन मैं करो तरीका बड़ा अब एक्स स्क्वायर कति एक्स इंटू वाई स्क्वायर वाई इंटू वाई माइनस को माइनस अब यहाँ कू टू इंटू एक्स स्क्वायर एक्स इंटू एक्स वाई स्क्वायर डबल वाई मल्टिप्लाई फिर तल पर एक्स इंटू एक्स वाई स्क्वायर वाई इंटू वाई ल अब क्यान्सल क्यान्सल गरौ कुन कुन क्यान्सल हुन्छ एउटा एक्स ले एउटा एक्स 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 वाई ले एउटा वाई माथिको वाई ले तलको वाई यतापट्टि पनि छ फेरि एक्स ले यो एक्स कट्यो यो एक्स कट्यो वाई ले वाई कट्यो फेरि वाई ले वाई कट्यो बराबर काट्ने है डिनोमिनेटर र न्यूमरेटर में इक्वली काटने अब काटे बाकी बस को जो रिमेनिंग टर्म छ रिमेनिंग टर्म से लेख दौ फोर ए अति कति बाई बस फोर ए रि कई माइनस फोर ए वाई एक्स ल यहीं थप्दैन कई फरक पर्दैन टू अतापटी कति ये बाई ल ये।